चुनांचे कुछ देर बाद मैंने जय माता शेरावाली का धीमा सा नारा लगाया और तरशोल थामकर मंदिर की पिछली तरफ से होकर एक पग डंडी पर चल पड़ा। ये पग डंडी आगे बल खाती चली गई थी। कुछ अंदाजा नहीं था कि ये पग डंडी कहाँ जा रही है। उसका मोड़ घूमा तो सामने नशीब में एक छोटी सी वादी फैली हुई थी, जहाँ हरे भरे दरख्तों में डोकरा गांव था। मकानों की छतें ज्यादातर टीन की थीं। मैंने एक डोकरा औरत को मकान के बाहर गाय का दूध दोते देखा। शाम हो रही थी, सर्दी में इजाफा हो गया था। कुछ मकानों से ओपलों का धुआं उठ रहा था। मैंने इस धुएं को यूं पहचाना कि फिजा में ओपलों की बोरची हुई थी। इस डोकरा गांव के पीछे चीड़ के बहुत से दरख्त थे, जो ढलान में दूर तक चले गए थे। मैंने सोचा कि इन दरख्तों में किसी जगह यूं ही आसन जमा कर बैठ जाता हूँ, लोगों की निगाहों से भी बचा रहूंगा और वक्त भी गुजर जाएगा। मैं गांव के पहलू से गुजर कर नशेब के दरख्तों में आ गया। यहाँ निस्बतन खामोशी और सन्नाटा था। ऊंचे सतूनों ऐसे दरख्त के साथ टेक लगाकर इस तरफ बैठ गया कि एक तरफ से मुझे गांव और दूसरी तरफ दरख्तों की ढलान बराबर दिखाई दे रही थी। मैंने कंबल अच्छी तरह से अपने शानों पर कर लिया था। सूरज गरूब हो चुका था और सारी वादी पर शाम का नीम सा अंधेरा उतर आया था। गांव के मकानों में लालटेनें रोशन हो गई थीं। दूर पहाड़ के नशेब में भी मकानों की बत्तियां जलमलाने लगी थीं। मुझे रात के 2 बजे तक बैठना था। मेरे लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं था। ट्रेनिंग की वजह से मैं आधी रात तक एक टांग पर भी खड़ा रह सकता था। मुझे अगर अंदेशा था तो कम वक्त उस मनहूस CID वाले की तरफ से था कि कहीं वो पुलिस लेकर वहां ना आ जाए और सारा मिशन अधूरा ना रह जाए। मैं लम्हा लम्हा गहरे अंधेरों में चारों तरफ आंखें खोले देख रहा था। अचानक मुझे गांव की तरफ से एक स्यासा साया अपनी तरफ आता दिखाई दिया। मैं एकदम से होशियार होकर बैठ गया। अगर ये वही CID वाला है तो उसकी मौत उसे मेरी तरफ खींचे ले आ रही थी। मैंने फैसला कर लिया कि उसका काम तमाम करके लाश वहीं झाड़ियों में डाल दूंगा। लेकिन मेरे कानों से झांझरू की मुतरनम आवाज टकराई। ये चांदी की झंझरू की आवाज थी, जो पंजाब और जम्मू की देहाती औरतें अपने पांव में पहना करती थीं। साया जरा करीब आया तो मैंने देखा कि ये एक डोगरा औरत है, जिसके हाथ में एक छोटी बल्टोई है और उसके ऊपर रुमाल में लपेटकर कुछ रखा हुआ है। अभी अंधेरा इतना गहरा नहीं हुआ था कि मुझे तारीकी में कुछ दिखाई न देता। मैंने जल्दी से आसन जमा लिया, मगर मेरी आंखें खुली थी। औरत का साया करीब आ गया। ये डोगरा औरत थी, जिसने सोसी की शलवार कमीज पहन रखी थी। उसके पांव में चांदी की झांझरें थीं, जो मुसीकी पैदा कर रही थीं। झांझरों की मुसीकी रुक गई। औरत आहिस्ता से जमीन पर बैठ गई, बल्टोई घास पर रखी, हाथ बांधकर प्रणाम किया और डोगरा जबान में कहा, महाराज ये मैं आपके भोजन के लिए लाई हूँ, स्वीकार करें। भूख मुझे बहुत लग रही थी, फिर भी मैं बेहद मोहताज था। ये CID वाले की कोई साजिश भी हो सकती थी। मैंने साधु संतों की तरह कहा, यह क्या है बालक? डोगरा औरत ने बल्टोई के ऊपर से छंगेर हटाकर कहा, महाराज ये मैं अपनी गाय का दूध दोकर आपके लिए लाई हूँ और ये मकई की रोटी और अचार है। मेरी भूख चमक उठी, मगर ये मेरी मौत का सामान भी हो सकता था। मुमकिन है ये औरत भी दुश्मन की एजेंट हो और इन अशिया में कोई जहरीली शय मिलाकर लाई हो। मैंने हाथ उठाकर कहा, बालका हम तेरी शुरदा से प्रसन्न हुए हैं, परंतु हमें विष्णु माता का आदेश है कि कोई शय किसी को खिलाए बगैर मत खाओ। पहले तुम इसमें से दूध पियो और रोटी खाओ, फिर हम भोजन करेंगे। डोगरा औरत हाथ बांधकर बोली, महाराज जैसी आपकी इच्छा। यह कहकर डोगरा औरत ने मेरे सामने बल्टोई के साथ अपना हाथ चुल्लू बनाकर लगाया, फिर बल्टोई को अपने घुटने पर रखा, चुल्लू के साथ मुंह लगाया और घटाघट 2-4 घूंट दूध पी गई। बल्टोई रखकर उसने गर्म चादर से मुंह साफ किया और मेरे कहने पर मकई की रोटी के भी 2 निवाले तोड़कर खा लिए। मैंने चंद लम्हे इंतजार किया। मैं दूध और मकई की रोटी का रद्द अमल देखना चाहता था। मैं उसे विष्णु माता के चमत्कारों की बातें करता रहा। जब मुझे तसल्ली हो गई कि दूध और रोटी में किसी जहरीली शय की मिलावट नहीं हुई, तो मैंने मकई की रोटी अचार के साथ खानी शुरू कर दी। देखते देखते मैं मकई की सारी रोटी खा गया और दूध की आधी से ज्यादा बल्टोई खाली कर दी। डोगरा औरत ने घुटने पकड़ लिए और कहा, महाराज मुझ पर कृपा करें, मुझे बच्चा दे दें, नहीं तो मेरा शौहर मुझे घर से निकाल देगा, वो मुझे बहुत मारता है, महाराज मुझे बच्चा दे दें। ये जवान डोगरा औरत कुछ इस तरह मेरे कदमों में बिछी जा रही थी कि मुझे ऐसे लगा जैसे वो वाकई मुझसे अपना बच्चा चाहती है।
मैंने आवाज में जलाल पैदा करते हुए कहा, बालका पीछे हटकर बैठ जा। मैं माता शेरावाली के आगे तुम्हारी अरदास करूंगा, वैष्णो माँ तेरी गोद जरूर हरी करेगी। अब तू जा और सुन, किसी को बताना मत कि तू मुझे यहाँ मिली थी, वरना तेरे यहाँ बच्चा नहीं होगा। डोगरा औरत तो मेरे आगे सजदे में गिर पड़ी। महाराज मैं किसी को नहीं बताऊंगी, महाराज मुझे बच्चा दे दें, मेरी जिंद जान आप पर कुर्बान। अच्छा अब तू चली जा। डोगरा औरत ने बल्टोई और छंगेर उठाई, कुछ कदम वो हाथ जोड़े उल्टे कदम पीछे चलती गई, फिर प्रणाम करके अपने गांव की तरफ चल दी। अब अंधेरा इतना हो गया था कि थोड़ी दूर जाने के बाद ही अंधेरे ने उसे अपने अंदर गुम कर दिया। गाय के ताजा दूध और पहाड़ी मकई की रोटी ने मेरे जिस्म में नई तवानाई भर दी। मैं कंबल ओढ़कर दरख्त के पीछे सिमट कर बैठ गया। अब खालिस दूध और पहाड़ी मकई ने अपना रंग दिखाया और मुझे नींद आने लगी। नींद का गलबा इस कदर शदीद था कि मेरा सर बार बार कंधों पर ढलक जाता और मैं उसे बार बार ऊपर उठाता और आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में देखने की कोशिश करता। मेरी आंखें जलने लगी थी। मैं उठकर खड़ा हुआ। मैंने दरख्तों में दौड़ लगानी शुरू कर दी। कुछ देर बाद फिर नींद ने हमला कर दिया। पहले सोचा कि कहीं दूध में खाप आवर गोलियां तो नहीं मिला दी गई थी, लेकिन ऐसा नहीं था। ये नींद का गलबा था और नींद खालिस दूध और मकई की रोटी की वजह से आ रही थी। चुनांचे कुछ देर नींद के खिलाफ जंग आजमाई करने के बाद मैं बिल्कुल ठीक ठाक हो गया और नींद को जेर कर दिया। मैंने घड़ी देखी, अभी रात के 10:15 थे। ये घड़ी जो मेरी कलाई पर बंधी थी मुझे बाग जोगियां वाले साधु और एजेंट माता दास ने दी थी और देते वक्त अपनी घड़ी के साथ उसका वक्त मिला लिया था। रात के 2 बजने में अभी भी वक्त बाकी था। मैं हैरान था कि वो CID का आदमी अभी तक मेरे ताकुब में वहां क्यों नहीं आया। कोई चाहे कुछ कहे, मगर मेरे तजर्बे ने मुझे बता दिया था कि वो भारतीय इंटेलिजेंस का आदमी है और मेरे पीछे लगा हुआ है। वो बड़ा मोहतात था, किसी खास घड़ी का इंतजार कर रहा था जब मुझे रंगे हाथों पकड़ ले। आखिर ये उसका इलाका था, मैं उसके मुल्क में था, वो मुझे जब और जहां चाहे गिरफ्तार करवा सकता था। मैंने अपनी पोजीशन तब्दील कर ली और इन ऊंचे नीचे दरख्तों से निकलकर मैं पहाड़ी नाले की तरफ चल दिया। यह नाला मेरी नजर में था और मैं उसकी समझ से बखूबी वाकिफ था। रशीबी पत्थरों में से निकलता मैं अंधेरी रात में पहाड़ी नाले की तरफ चलने लगा। आसमान की चमक की वजह से रात की तारीकी में धीमी धीमी धुंधली सी रोशनी घुल मिल गई थी। मैंने दरख्तों का एक झुंड अबूर किया और नीचे पहाड़ी नाला था। यही वो नाला था जिसके आगे वो पुल था जिसके नीचे मुझे 2 बजे रात अपने एजेंट साधु से मुलाकात करना थी। ये छोटा पुल मुझ से ज्यादा दूर नहीं था। मैं नशेब में उतरता हुआ नाले के करीब आ गया। अंधेरे में नाले का शफाफ पानी किसी धुंधले आईने की तरह नजर आ रहा था। पानी का हल्का हल्का शोर बुलंद हो रहा था। मैंने एक जगह पत्थरों के दरमियान जगह बनाई और कंबल ओढ़कर बैठ गया। शबनम गिर रही थी जिसका मेरे मुंडे हुए सर पर असर हो रहा था। मैंने कंबल अपने सर के ऊपर कर दिया। वक्त बड़ी सुस्त रफ्तारी से गुजर रहा था, मगर कमांडो ट्रेनिंग के दौरान हमें उसकी खास तौर पर मशक कराई गई थी। हमारा फौजी इंस्ट्रक्टर हमारे हाथ पांव बांधकर हमें किसी दरख्त के साथ जकड़ देता और हम सारी रात उस दरख्त के साथ जकड़े रहते। उफ, आज भी कमांडो ट्रेनिंग के वो दिन याद आते हैं तो कानों में से शां शां की आवाजें निकलने लगती हैं। हमें घोड़ों की तरह दौड़ना, ऊंटों की तरह बगैर कुछ खाए पिए मीलों चलना और लोमड़ी जैसी मकारी से अपना रास्ता बनाना और सांप मेंढक और खारदार झाड़ियां खाना सिखाया गया। हमें अजियतें दी गई कि अगर कभी दुश्मन के हथे चढ़ जाएं तो उनकी अजियतों से घबरा कर राज फाश न कर दें। हमें बंदर से भी ज्यादा फुर्तीला बनाया गया। हमें एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांग लगाने की मशक कराई गई। साथ ही साथ हम में दुश्मन पर उकाब की तरह झपटने और देखते ही देखते उसे फना कर डालने की तरबियत भी दी गई। हमें सूखे पत्तों पर चीते की तरह चलने की ऐसी ट्रेनिंग दी गई कि हमारे कदम सूखे पत्तों पर पड़े मगर आवाज बिल्कुल पैदा ना हो। हमें बे हथियार लड़ाई की मशकें कराई गईं और इंसानी जिस्म की तमाम तर नाजिक रगों, हड्डियों और अज़ा से सर्जन डॉक्टरों की तरह आगाह किया गया और बताया गया कि हमें दुश्मन पर कहां कारी जरब लगानी है। मैं कंबल में अकड़ू बैठा था। मेरे चारों तरफ अंधेरा था, अगरचे इस अंधेरे की मेरी आंखें अब आधी हो गई थीं और सांप की आंखों की तरह मैं अंधेरे में हर शय देख रहा था। नाले का पानी
रल तरल रल तरल की मुतरन मौसीकी पैदा करता मेरे सामने से गुजर रहा था। शबनमी फिजा में तरह तरह की जड़ी बूटियों और घास पत्तों की बू रची हुई थी। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।